जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, राइट। प्रीवियसली वी हैव लर्नड अबाउट द टेस्ट क्रॉस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने देखा था टेस्ट क्रॉस को टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस मीन्स क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद ए रिसेसिव पेरेंट, दैट इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस। आफ्टर दैट वी हैव लर्नड अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा था कि अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर डूइंग क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा था, यस वी आर डूइंग द क्रॉस बिटवीन ए रेड फ्लावर एंड ए वाइट फ्लावर, देन गैमिट बने। ठीक, गैमिट बने, यहाँ पर रेड फ्लावर, इसमें से एक गैमिट आ गया और यहाँ से एक आ गया। ठीक है, फिर पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन पिंक फ्लावर, ठीक है, पिंक फ्लावर हमें देखने को मिले इंटरमीडिएट टाइप के, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर का और कैपिटल आर स्मॉल आर का, गैमिट बन गए, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर क्या करा इनका हमने, क्रॉस करवा दिया, है ना, क्रॉस करवा दिया तो रेशियो आया 1:2:1, राइट। तो देखा हमने एक रेड है, ठीक है, और दो पिंक है और एक वाइट है। सो हेयर इन दिस वी विल फाउंड दैट द रेशियो इज 1:2:1 एंड द फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो इज द सेम। ठीक है, ये हमने देखा किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, राइट। देन कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, ठीक है, डोमिनेंस क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये हम पहले एनसीईआरटी में से देख लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है ये हम देखते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, हम पढ़ते आ रहे हैं डोमिनेंस क्या है, ठीक है, डोमिनेंस क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव। ठीक है, तो जो कुछ एलील्स हैं वो डोमिनेंट होती है और कुछ कैसी होती हैं, वो रिसेसिव होती हैं, राइट। टू टैकल दीज क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ए जीन डज। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें समझना होगा एक जीन करता क्या है। ठीक है, एक जीन करता, एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू ए पर्टिकुलर ट्रेट। तो जीन के पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, वो कुछ भी हो सकता है ट्रेट, है ना। हमने पढ़े थे अलग अलग ट्रेट्स पढ़े थे हमने, है ना, हमने पढ़े थे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स में हम ट्रेट्स पढ़े थे। इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होंगी, 2 कॉपीज हमें किसकी देखने को मिलेंगी, जीन की मिलेंगी, दैट इज ए पेयर ऑफ एलील्स। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एलील का पेयर कहते हैं। नाउ दीज टू एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। अब ये जो दो एलील्स हैं ये हमेशा आइडेंटिकल नहीं हो सकती, एज इन हेट्रोजाइगोट, ठीक है, ठीक है, हेट्रोजाइगोट में ये आइडेंटिकल नहीं हो सकती, ये हमें पता है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगॉन। और क्या होगा कि भाई एक में क्या होगा, कुछ डिफरेंट हो सकती है, कुछ चेंजेस आए होंगे, चेंजेस किस तरीके से होंगे ये हमें देखना है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज़ अंडरगॉन, राइट, अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन इन द नेक्स्ट चैप्टर, विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट ए पर्टिकुलर एलील कंटेन, राइट। तो क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा इंफॉर्मेशन को, ठीक है, दैट जिसमें क्या होगा दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन्स, राइट। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। एक जीन है, जीन के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, राइट, जीन के पास क्या इन्फॉर्मेशन है और वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो एक एंजाइम को बना रही है, राइट। तो जीन है, जीन क्या हुआ, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है ना, तो उसके पास क्या है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। नाउ There are 2 copies of this gene, 2 कॉपी हैं यहाँ पर जीन की, राइट। द टू एलेलिक फॉर्म्स, 2 एलेलिक फॉर्म्स है, लेट अस अज्यूम, ठीक है, मान लिया हमने एज इन मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम। जो नॉर्मल एलील होगी
वो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, जो नॉर्मल एलील होगी वो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी, दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए, ठीक है, दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट. थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, जो नॉर्मल एलील होगी वो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी, लेकिन जो मॉडिफाइड एलील है, ठीक है, जो मॉडिफाइड एलील है उससे हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, पहली नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, ठीक है, पहला क्या होगा, जो मॉडिफाइड एलील होगा वो क्या बना देगा, नॉर्मल एंजाइम भी बना सकता है या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बना सकता है. फिर दूसरी कंडीशन ये होगी कोई एंजाइम बनेगा ही नहीं, ठीक है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक है, कोई एंजाइम नहीं बनेगा. तीसरा क्या हुआ यहाँ पर, नो एंजाइम एट ऑल, ठीक है, नो एंजाइम, कोई एंजाइम बनेगा ही नहीं, ठीक है, कोई एंजाइम बनेगा ही नहीं, राइट. तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें जो बता रखा है नेचर के अंदर, ठीक है, जो नेचर के अंदर है, ठीक है, याद रखना जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नेचर के अंदर वाइल्ड जीन हमेशा डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं, राइट, याद रखना, नेचर के अंदर जो वाइल्ड जीन होगा, ठीक है, जो वाइल्ड जीन होता है, लिखा होगा बहुत सी जगह वाइल्ड जीन कैसा होगा, वो डोमिनेंट होगा, राइट. तो ये हमने देखा कि भाई ये पेयर है, ठीक है, डोमिनेंट है, ठीक है, ये है, और यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से क्या हुआ कि इसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, राइट. तो यहाँ पर क्या हुआ कि म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब कुछ चेंजेस हो गए जीन के अंदर, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, राइट. उसके अंदर क्या, देखो नेचर के अंदर क्या होगा, जो वाइल्ड जीन है वो कैसा होगा, वो डोमिनेंट होगा, ठीक है, वाइल्ड जीन कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, और डोमिनेंट का मतलब ये है पेयर में है ना, जोड़े में है यहाँ पर, तो एक क्या हुआ यहाँ पर, म्यूटेशन हुआ, ठीक है, म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने के बाद कुछ चेंजेस हुए इसमें, ठीक है, कुछ चेंजेस हुए, ठीक. अब देखो ये डोमिनेंट वाला ये एक्सप्रेस कर रहा है, और ये क्या है, ये म्यूटेटेड है, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस हो गए, ठीक. तो अब क्या हुआ, ये मॉडिफाइड हो गया, ठीक है, मॉडिफाइड होगा, तो यहाँ पर तीन इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, जीन इफेक्ट या तो सेम रहेगा या फिर घट जाएगा, राइट. म्यूटेशन वाली बात एनसीईआरटी वालों ने नहीं बताई हुई है, ये हमें समझने की कोशिश करनी है कि भाई जो म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, जीन में कुछ परिवर्तन हुए, कुछ चेंज हुआ है ना. फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एंजाइम बनेगा ही नहीं, ठीक है, या फिर इनएफिशिएंट होगा, राइट. तो इनएफिशिएंट होगा, जीन इफेक्ट सेम रहेगा या घटेगा, है ना, जीन इफेक्ट सेम रहेगा या घटेगा, और उसके बाद क्या हुआ, कोई एंजाइम नहीं बनेगा. तीसरी कंडीशन क्या हुई यहाँ पर, इनएफिशिएंट हुई, ठीक है, इनएफिशिएंट हुई, राइट. अब एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. इन द फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस क्या था यहाँ पर, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट. तो फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील. जो मॉडिफाइड एलील है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट है, राइट. दैट इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और ट्रेट. वो क्या बना रहा है, सेम फिनोटाइप और ट्रेट को वो बना रहा है. दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट, राइट. सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन. और ऐसी जो एलील पेयर्स है वो हमें काफ़ी कॉमन देखने को मिलते हैं, क्लियर. तो पहली वाली कंडीशन जो थी, जिसमें नॉर्मल और लेस एफिशिएंट वाली कंडीशन जो बता रखी है, जहाँ पर मॉडिफाइड एलील किसके बराबर है, वो अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट है, राइट. तो उसमें सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड इट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट. सच इक्विवेलेंट एलील्स आर वेरी कॉमन, बट इफ द एलील प्रोड्यूस ए नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम. और कोई एलील क्या कर रहा है यहाँ पर, नॉन फंक्शनल एंजाइम को बना रहा है, या कोई एंजाइम बना ही नहीं रहा, तो फिनोटाइप पे इफेक्ट होगा, है ना. द फिनोटाइप मे बी इफेक्टेड, मतलब क्या हुआ, कोई एलील है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, या किसी एंजाइम को बना नहीं रहा है, तो फिनोटाइप क्या होगा उसका, इफेक्टेड होगा ही होगा, राइट. इट मीन्स द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील, ठीक है. जो फिनोटाइप है और जो ट्रेट है, ठीक है, जो फिनोटाइप है, जो किस पे डिपेंडेंट है, वो फंक्शनिंग ऑफ द
अनमॉडिफाइड एलील, ठीक है, उस अनमॉडिफाइड एलील के फंक्शन के ऊपर वो डिपेंडेंट है, किस तरीके से फंक्शन कर रही है अनमॉडिफाइड एलील, राइट, क्लियर। द अनमॉडिफाइड, ठीक है, जो अनमॉडिफाइड है जिसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, जो डोमिनेंट वाली थी, द अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील, ठीक है, यानी कि जो अनमॉडिफाइड एलील जो हमने दिखाई थी, ठीक है, एक हुई अनमॉडिफाइड, दैट इज द फंक्शनल एलील, एंड द मॉडिफाइड एलील इज द जनरली द रिसेसिव एलील, ठीक है, यानी कि क्या हुआ यहाँ पर, एक है मॉडिफाइड एलील और दूसरी है अनमॉडिफाइड एलील, जो अनमॉडिफाइड एलील है वो हो गई आपकी डोमिनेंट एलील और जो मॉडिफाइड हो गई वो क्या हो गई, रिसेसिव हो गई, किसी कारण से हो गई होगी, हमने समझा क्या, म्यूटेशन में भी द पॉसिबल रीजन, ठीक है, म्यूटेशन भी पॉसिबिलिटी हमने बताई थी, क्लियर। हैंस इन द एग्जाम्पल, ठीक है, हैंस इन द एग्जाम्पल अबव द रिसेसिव ट्रेड इज सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम, जो रिसेसिव ट्रेट है वो किस वजह से आ रहा है, वो नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से वो आ रहा है, और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, और या फिर कोई एंजाइम बन ही नहीं रहा है, राइट। तो ये हमने समझा यहाँ पर कि भाई ये है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या था, डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट हमने दिखा, ये जीन है, दोनों डोमिनेंट हैं, राइट, जो नेचर में है वाइल्ड जीन मिलता है वो डोमिनेंट मिलता है, म्यूटेशन हुआ, ठीक है, म्यूटेशन हुआ, ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पर, ये डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये इफेक्टेड हो गया, क्योंकि कुछ इसमें चेंजेस आ गए, तीन पॉसिबिलिटीज होंगी, जीन इफेक्ट सेम रहेगा या फिर घट जाएगा, राइट, नो एंजाइम और इनएफिशिएंट एंजाइम, ये कैसी होगी, वो रिसेसिव होगी, इट मींस दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं डोमिनेंट वाले कॉन्सेप्ट में, एक है मॉडिफाइड एलील और एक है अनमॉडिफाइड एलील, जो अनमॉडिफाइड एलील है आपकी वो है डोमिनेंट एलील, ठीक है, और जो है मॉडिफाइड एलील वो है रिसेसिव एलील, और उस जो मॉडिफाइड हो चुकी है उसके लिए कुछ फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, एक फैक्टर मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन माइट बी द रीजन। आई होप द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस इज क्लियर नाउ, ठीक है, जो डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर कोडोमिनेंस, राइट, कोडोमिनेंस क्या चीज़ है, ठीक है, कोडोमिनेंस हम लोग पढ़ते हैं, कोडोमिनेंस का मतलब क्या होगा, व्हेन बोथ द एलील्स आर डोमिनेंट, राइट, जो उसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जब दोनों ही एलील डोमिनेंट होंगी तो उसके लिए क्या वर्ड आ गया, कोडोमिनेंट आ गया, ठीक है, क्या वर्ड आ गया यहाँ पर, कोडोमिनेंट आ गया, राइट। तो पहले मैं आपको बताता हूँ क्या है यहाँ पर कोडोमिनेंस, इन द फर्स्ट केस ऑफ द कोडोमिनेंस द एफ वन जनरेशन रिजेंबल्ड, इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द एफ वन जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, तो क्या किससे रिजेंबलेंस है, वो दोनों ही पेरेंट्स से रिजेंबलेंस, कोडोमिनेंस हम लोग ह्यूमन बींग्स से पढ़ते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप जो पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स का, एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाई द जीन आई, तो एबीओ ब्लड ग्रुप किससे कंट्रोल होता है, वो जीन आई से वो कंट्रोल होता है, ठीक है, जीन आई से वो कंट्रोल होता है। देन एबीओ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज शुगर्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी, आरबीसी की, उसमें क्या होगा, शुगर्स प्रेजेंट होंगी, दैट प्रोट्यूड फ्रॉम इट्स सरफेस, और वो कहाँ प्रोट्यूड हो रही होंगी, वो सरफेस से बाहर की तरफ वो निकल रही होंगी, ठीक है, सरफेस से बाहर की तरफ वो प्रोट्यूड हो रही होंगी, फ्रॉम इट्स सरफेस, एंड द काइंड ऑफ शुगर्स इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, और वो शुगर किससे कंट्रोल हो रही होंगी, वो जीन से कंट्रोल हो रही होंगी, ठीक है, तो जीन है, ठीक है, तो जीन आई हमने यहाँ पर बताया, ठीक है, तो जीन आई हमने बताया है, ठीक है, तो जीन आई, ठीक है, जीन आई में क्या होगा, तीन एलील्स होंगी, आई ए, आई बी एंड आई, ठीक है, आई ए, आई बी और आई, आई नॉट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, आई नॉट भी हो सकते हैं, द एलील्स, ठीक है, जो एलील है यहाँ पर आई ए, ठीक है, जो एलील है यहाँ पर आई ए एंड आई बी produces a slightly different form of sugar, ठीक है, क्या बना रहा है, वो different form of sugar को बना रहा है, while the allele I does not produce any sugar, और क्या बना रहा है, वो बेकार है, ठीक है, कुछ नहीं बना रहा, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो एलील है आई ए एंड आई बी, वो क्या बना रहा है, वो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म शुगर को क्रिएट कर रहा है, लेकिन जो एलील आई है वो कोई शुगर नहीं बना पा रहा है ना,
तो जो ब्लड है, ठीक है, हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं ना। तो ब्लड ग्रुप है, ब्लड जो ब्लड है उसमें आरबीसी की जो सेल है, ठीक है, सेल है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक। तो और ये क्या है, हम यहाँ पर क्या चीज़ होगी, ये है प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, उसमें से हमने फाइब्रिन को रिमूव कर दिया, ठीक है, फिब्रिन को रिमूव कर दिया, तो बचाव पार्ट क्या कहते हैं, सीरम कहलाता है ना, सीरम कहलाता है। तो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये इसकी सरफेस है, मेम्ब्रेन है, ठीक। देन द मेम्ब्रेन कंटेन्स अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, मेम्ब्रेन में क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा, राइट। ए आई ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, आई ए ब्लड ग्रुप के पास क्या प्रेजेंट है, गैलेक्टोज अमीन, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, गैलेक्टोज अमीन प्रेजेंट है, किसके पास में है ये, आई ए के पास में, आई ए ब्लड ग्रुप के पास में, राइट। दूसरा आई बी, ठीक है, आई बी के पास क्या प्रेजेंट है, क्या क्या कौन शुगर प्रेजेंट है, गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज याद रखना, ठीक, आई ए और आई बी, ठीक। आई ए इसके पास भाई कुछ चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, कौन से शुगर प्रेजेंट है, गैलेक्टोजामिन, इट मीन इट इज़ डोमिनेंट। आई बी, ठीक है, आई बी के पास क्या है, ये भी डोमिनेंट है क्योंकि इसके पास भी गैलेक्टोज शुगर प्रेजेंट है, यहाँ गैलेक्टोज है और यहाँ पर क्या है, गैलेक्टोजामिन। देन द थर्ड वन आई नॉट, ठीक है, आई नॉट क्या है, वो रिसेसिव है, क्यों, क्योंकि ये कोई बना ही नहीं रहा, कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, रिसेसिव है, ठीक है, रिसेसिव है ये वाला, क्लियर, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। डोमिनेंट है आई ए, जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन होगा, ठीक है, डोमिनेंट है ये वाला आई ए, अभी मैंने बताया क्यों डोमिनेंट है ना, एंटीजन ए प्रेजेंट है, डोमिनेंट ये है आई बी वाला ब्लड ग्रुप है, और एंटीजन क्या होगा इसमें, बी हो गया, राइट। रिसेसिव आई नॉट, कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो एंटीजन प्रेजेंट, किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील्स देयर आर मोर देन टू, दैट इज थ्री एलील्स गवर्निंग द सेम करेक्टर, ठीक है, एक ही करेक्टर को गवर्न जो कर रहे हैं वो हो गई मल्टीपल एलील्स, राइट। सो देयर आर मोर देन टू, दैट इज थ्री एलील्स दैट इज गवर्निंग द सेम करेक्टर, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल एलील्स, राइट। थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं, पॉसिबिलिटी हमने देखी यहाँ पर, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, मदर से और फादर से। तो एक जीन आया, ठीक है, आई ए आया मदर से, आई ए आया फादर से, क्या होगा वो ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि ये भी डोमिनेंट और ये भी डोमिनेंट है ना, दोनों ही डोमिनेंट। एक ब्लड ग्रुप आया आई ए, ठीक है ना, एक जीन आया आई ए, कहाँ से आया वो, मदर से आया, ठीक है, मदर से आया, और दूसरा कहाँ से आया, आई ओ फादर से आया, ठीक है, फादर से आया, राइट। तो इसमें ये वाला डोमिनेंट है, डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ए ब्लड ग्रुप हो गया, क्लियर। देन आई बी आया मदर से, ठीक है, आई बी आया फादर से, ब्लड ग्रुप हुआ बी, डोमिनेंट। आई बी आया कहाँ से, मदर से, आई नॉट आया फादर से, क्या ब्लड ग्रुप बनेगा, बी ब्लड ग्रुप बनेगा, राइट, द ब्लड ग्रुप इज बी, बोथ डोमिनेंट, एक आ गया, ये भी डोमिनेंट और ये भी डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट क्योंकि दोनों ही शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, दोनों ही कुछ बना रहे हैं, तो ये हो गया ए बी ब्लड ग्रुप, दैट इज कोडोमिनेंट। समझ में आया क्यों है ये कोडोमिनेंट, राइट। रिसेसिव आई नॉट, ठीक है, आई नॉट तो क्या होगा ये ओ। अब कितने फिनोटाइप हैं इसमें, चार फिनोटाइप हैं, ठीक है, चार इसमें हम फिनोटाइप पढ़ते हैं, ठीक है, चार फिनोटाइप हो गए, एक दो तीन चार, फोर फिनोटाइप्स। जीनोटाइप कितने हैं इसमें, सिक्स जीनोटाइप्स हैं, ठीक है, छह जीनोटाइप हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिक्स जीनोटाइप्स। एंटीजन दो, भाई ब्लड ग्रुप आई एंटीजन ए और एंटीजन बी, दो एंटीबॉडीज आई ए और आई बी, एलील कितनी है, तीन है, कौन कौन सी, ए बी ओ, क्लियर, ठीक है, ये था आपका ब्लड ग्रुप का, ठीक है, ये था आपका ब्लड ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल एलील्स का ये एग्जांपल है जो हमने समझा, ठीक है, मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल था जो हमने समझने की कोशिश करी, राइट। तो ये लिखा है यहाँ पर कि वी टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्रॉसेज वेयर द F1 रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, जो पेरेंट्स होगा कि रिजेंबल करेगा, हमने देखा था वो क्या है यहाँ पर, डोमिनेंस, ठीक है, वो किसका था, वो डोमिनेंस का था, और वाज इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, और किसका था, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का था। वो हमने अभी तक ये तो चीज़ देखी थी कि भाई डोमिनेंस में क्या होगा,
F1 रिजेंबल किसको करेगा, आइदर ऑफ द पेरेंट्स को रिजेंबल करेगा, राइट। और बीच इंटरमीडिएट बनेगा, पिंक फ्लावर जो बनने थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स। तो F1 की रिजेंबलेंस किससे होगी, दोनों ही पेरेंट्स से होगी, है ना। ए एग्जाम्पल, ए गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ RBCs दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ABO ब्लड ग्रुपिंग किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। ABO ब्लड ग्रुप किससे कंट्रोल होगी, वो आईजीन से कंट्रोल होगी, ठीक है, आईजीन से कंट्रोल होगी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC हैज शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट सरफेस। RBC में क्या होंगे, वो मेम्ब्रेन में शुगर्स प्रोट्रूड कर रहे होंगे बाहर की तरफ, एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाई द जीन, और वो जीन से कंट्रोल हो रही होगी, ठीक है, जीन से कंट्रोल हो रही होगी। द जीन आई हैज 3 एलील्स, 3 एलील्स हैं यहाँ पर, IA, IB और O, ठीक है, जीरो जीरो भी बोल देते हैं, ठीक है। एलील IA एंड IB प्रोड्यूसेस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, IA, IB डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर को बना रहे हैं, वाइल द एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ठीक है, और वो क्या बना रहा, कोई भी शुगर नहीं बना रहा। बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ईच पर्सन पजेस एनी टू ऑफ द 3 IG alleles, राइट। सो IA, IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर I, ठीक, कम्प्लीट डोमिनेंट है। इन अदर वर्ड्स IA एंड I आर रिप्रेजेंट, IA एक्सप्रेसेस बिकॉज I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। ये भी हमने देख ला कि भाई जो I नॉट है वो कोई शुगर नहीं बना रहा है। IAB एंड I आर द प्रेजेंट, वाइल IB एक्सप्रेसेस, IB एक्सप्रेस कर रहा है। वैन बोथ IA एंड IB आर प्रेजेंट टूगेदर, दे एक्सप्रेस both their own types sugar, that is because of the codominance. Hence RBC have both A and B type of sugars, so two type ke sugars hain. Since there are 3 alleles, there are 6 different combination of 3 alleles that are possible, and therefore a total 6 different genotypes of human blood types. So ye 6 possibilities hain yahan par blood groups ki, theek hai, to ye aap dekh sakte ho, एक एलील पेरेंट का, है ना, ये भी हमने देखा था, एक एलील ये जीनोटाइप हो गया इसका, इसका जीनोटाइप हो गया IA IB, ठीक है, ब्लड हो गया इसका ए ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक। तो ये हमने सारा जो है कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक, कॉन्सेप्ट को समझा किसके, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में समझा कि भाई जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है वो कैसे है, है ना, और दूसरा हमने मल्टीपल एलील्स के बारे में समझा, मल्टीपल एलील्स में भी हमने ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप के बारे में समझा, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप। फिर कोडोमिनेंस के बारे में समझा, कौन सा डोमिनेंट एलील है, ठीक है, कौन सा रिसेसिव एलील है, किसके पास शुगर प्रेजेंट है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, और उसमें कितने फिनोटाइप हैं, कितने जीनोटाइप हैं, कितने ब्लड जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है उसमें कितने फिनोटाइप हैं, कितने जीनोटाइप हैं, कितने एंटीजन हैं, कितने एंटीबॉडीज हैं, है ना, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, कितनी एलील्स है, राइट।